हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कोर्ट में प्रोसेस फीस का जो फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा पीएफ फॉर्म है, इसको फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे हमारी जो कोर्ट होती है उसका नाम आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाएगी, एरिया आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा, यानी कि जहाँ की कोर्ट है वहाँ का स्टेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सूट का नंबर आ जाएगा, हर एक सूट का एक नंबर होता है, वो नंबर केस नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ईयर आ जाती है। यहाँ पे हमारे पार्टी के नाम आते हैं, यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम आएगा, यहाँ पे रेस्पोंडेंट का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग होती है वो यहाँ पे आएगी और नेक्स्ट डेट जो हियरिंग होती है वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग, जिस डेट में ये फॉर्म आप फाइल कर रहे हो वो डेट यहाँ पर मेंशन की जाएगी। फाइल्ड बाय होम, किसके द्वारा ये फॉर्म फाइल किया गया है, मोस्टली ये प्लेंटिफ ही फाइल करता है क्योंकि प्लेंटिफ को ही डायरेक्शन दी जाती है पीएफ सबमिट करने की। यहाँ पे हमारा प्लेंटिफ आ जाएगा। पर्पज ऑफ फाइलिंग, यानी कि ये फॉर्म फाइल करने का आपका पर्पज क्या है। मोस्टली सम्मन के लिए, नोटिस के लिए ये पीएफ देना होता है। अपोजिट पार्टी को जब नोटिस कराना होता है तो कोर्ट में पीएफ जमा करना होता है। इश्यूएंस समन्स टू द डिफेंडेंट, यहाँ पे हमारे नंबर आ जाएंगे, जितने भी हमारे डिफेंडेंट होंगे उतने ही यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। अमाउंट ऑफ पीएफ, यानी कि जो फीस है वो कितनी है, 2 रुपीज है। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट फीस, यहाँ पे 2 रुपए की टिकट लग जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे इन द कोर्ट ऑफ श्री, जिस भी कोर्ट में जो कोर्ट यहाँ पे हमने मेंशन की है वही कोर्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पे सूट नंबर फिर से आ जाएगा, फर्स्ट पार्टी का नाम आ जाएगा जो प्लेंटिफ होता है, यहाँ पे सेकंड पार्टी का नाम आएगा जो हमारा रेस्पोंडेंट होता है। प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी डेट जिस डेट में इस पीएफ को हम फाइल कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम हर एक कोर्ट का एक एलमंद रूम होता है जहाँ पर उस कोर्ट की फाइल वगैरह रखी रहती है सारी की सारी, तो एलमंद रूम में जाएंगे, वहाँ पे एक एलमंद नाम का एक क्लर्क होता है, उसको ये पीएफ देंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा और यहाँ से इसको स्लिप को निकाल करके जो भी पीएफ सबमिट करने जाएगा उसको दे देगा। तो ये हमारा कोर्ट प्रोसेस फीस का फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।